उत्तराखंड राजधानी दून में चंद मुनाफे के लिए व्यापारी लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हालात यह है कि खाद्य सुरक्षा विभाग होने पर भी क्या यूं कहें कि विभागों के अधिकारियों की लापरवाही और मिलीभगत के कारण व्यापारियों की पौ बारह हो रही है। परंतु अब नगर निगम में खाद्य पदार्थों की सैंपल लेने के साथ साथ उनकी जांच का कार्य भी नगर निगम में आने पर अब मिलावटखोर ज्यादा दिनों तक लोगों की सेहत से खिलवाड़ नहीं कर सकेंगे। नगर आयुक्त विजय जोगदंड की माने तो अब नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ साथ वह सभी भी टीम को लेकर बाजारों में खाद्य पदार्थों के सैंपल लेंगे। जो सैंपल गलत पाए गए तो व्यापारी पर जुर्माने के साथ साथ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यदि आवश्यकता पड़ी तो व्यापारी का फूड लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा। नगर निगम के जो वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, इनको हम लोगों ने पुनः निर्देशित किया है कि वो जगह जगह जाकर खाने के सैंपल्स लें। जहाँ भी खाद्य बिक्री होता है उसका सैनिटेशन को चेक करें और अगर दोषी पाया जाता है उसमें खाद्य सुरक्षा एक्ट में जो भी उचित प्राविधान होंगे उसके अनुसार कार्रवाई करें। सैंपलिंग के लिए हम लोगों ने जो हमारा फूड सेफ्टी अथॉरिटी है उसके जो अधिकारी हैं उनको भी हमने कहा है कि आप भी हमारे साथ जॉइंटली जाएंगे और जहाँ जहाँ पे शिकायत मिलती है वहाँ का सैंपल कलेक्ट करके उसकी जांच के अनुसार कार्रवाई करेंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स का एक्ट हमारा पारित हो चुका है, उसके अनुसार जो प्राविधान है उसी के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं। उसी एक्ट के अनुसार हमारे जिले में भी एक फूड सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफिसर हमारा नामित है जिनके माध्यम से हम सैंपलिंग कलेक्ट करते हैं। सैंपल अगर सही पाया जाता है या फिर गलत पाया जाता है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।